टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर और आपको बता दें कि सलीम कुरैशी नाम के शख्स ने यहाँ पर आपको बता दें कि जो मुंब्रा रेलवे स्टेशन की टिकट विंडो है उसके जस्ट बाजू में ही उन्होंने जो है कोर्ट का यहाँ पर बैनर लगाया था कि ये ज़मीन उनकी है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनका ऐसा दावा था कि कोर्ट में उन्होंने ये जो है केस जीत लिया है और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है बैनर लगा दिया कि ये ज़मीन उनकी है। हालांकि इसी तरह की बैनर जो है उन्होंने मुंब्रा के एम गेट के तरफ भी लगाया था, लेकिन ठाणे महानगर पालिका ने कार्रवाई करके वहां से उनका जो भी वो बैनर लगाए थे, नोटिस बोर्ड लगाए थे, वो वहां से उठा लिया गया। लेकिन यहां पर बताया जा रहा था कि सलीम कुरैशी की बहुत साल पहले जो है उनकी शरबत की दुकान थी और उसके बाद यहाँ पर जब ये इसका मॉडलिंग का काम शुरू किया गया उस वक्त यहाँ पर थोड़ी कार्रवाई की गई थी और जो उनकी दुकान थी वो तोड़ दिया गया था। हालांकि सलीम कुरैशी का ऐसा दावा है कि उन्होंने जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो है अपना नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ था। लेकिन आपको दिखा दें कि आज जो है बड़ी संख्या में रेलवे फोर्स यहाँ मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है और कार्रवाई की गई है। जो भी सलीम कुरैशी ने यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाया था वो यहाँ से जो है ये हटाकर आप देखेंगे कि जो ये पानी की जो टंकी है ये सब यहाँ पर रखा गया था। बताया जा रहा है कि ये सब सलीम कुरैशी का था और ये सभी चीज़ें हटाकर जो है रेलवे कार्रवाई कर रही है और इसे यहाँ से हटाया जा रहा है। बहरहाल जिस तरह से आपको बता दें कि ठाणे महानगर पालिका ने भी जो कार्रवाई की थी आज से दो तीन दिन पहले उसमें भी विवाद हुआ था और उस विवाद में सलीम कुरैशी के ऊपर जो है FIR दर्ज की गई थी क्योंकि जो सहायक आयुक्त है महानगर पालिका की मुंब्रा प्रभाग समिति के उनके ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। उस मामले में सहायक आयुक्त ने उनके ऊपर शिकायत दर्ज कराई थी और उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। और जिस तरह से आपको बता दें कि सलीम कुरैशी का ऐसा दावा है कि ये ज़मीन उनकी थी, लेकिन ये रेलवे का कहना है कि ये पूरी ज़मीन जो है रेलवे की है और जो भी सलीम कुरैशी ने नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाया था वो कार्रवाई करके रेलवे जो है RPF RPFS यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों ने कार्रवाई की और आप कार्रवाई की ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से मुंब्रा रेलवे स्टेशन के टिकट विंडो के जस्ट बाजू में ही जो उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाया था सलीम कुरैशी ने वो कार्रवाई करके यहाँ से आज रेलवे प्रशासन ने हटा दिया है। कैमरामैन नीलेश कनौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।